यप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है माइक और आप देख रहे हैं सी ज्यादा गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी कैश फैक्ट्री के लिए जो सप्लाई चाहिए होती है वो कैसे परचेस कर सकते हैं या फिर कैसे फ्री में ले सकते हैं। दोनों मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, फ्री में आप लेंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा। जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए तो फ्री वाली ही मेथड सही रहेगा। बाकी जिनके पास पैसे हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो वो पैसों में भी ले सकते हैं। तो गाइस, ये है मेरा GTA 5 का पुराना अकाउंट। यहाँ पर मैंने वर्कर जो है परचेस कर रखे हैं $2,73,000 में। ठीक है, ये सब काम कर रहे हैं। अभी देखो, सप्लाई आप राइट में देख रहे हो कि सप्लाई मेरी बिल्कुल भी नहीं, यानी कि नोट बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए होता है वो बिल्कुल भी नहीं है मेरी फैक्ट्री के अंदर इस समय। और प्रोडक्ट जो थोड़ा बन चुका है, ठीक है, जो सामान है वो थोड़ा बन चुका है। $8,400 का सामान है वैल्यू, जो मैं इसको भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन सेल नहीं करूँगा। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि सब काम कैसे करना है। तो गाइस, ये यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे नोट की कुछ सिक्योरिटीज़ प्रिंट होती है और यहाँ पर ये नोट गिने जाते हैं। ये हमारा मनी में नोट गिनता रहता है। ओके, ये दो बंदे गिने हुए हैं। आपको $2,73,000 में 6 वर्कर्स मिलते हैं काम करने के लिए। और ये मुझे बतानी है वॉशिंग क्यों होती है इन नोटों की। अब हम आते हैं इस लैपटॉप पर। इस लैपटॉप के द्वारा ही हम जो है वर्कर्स परचेस कर सकते हैं और लैपटॉप के द्वारा ही हम सप्लाई जो है मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये देखो मेरी टोटल अर्निंग है $1,67,967। मैंने टोटल 3 सेल करी हैं अभी तक। तो अभी हम बाय अपग्रेड्स पर क्लिक करेंगे। बाय अपग्रेड्स पर ही आप जो है स्टाफ को अपग्रेड कर पाएंगे। जैसे कि मैंने ये कर रखा है तो ये मेरे को दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने क्या हुआ, बाकी मैंने दोनों चीज़ नहीं कर रखी है, इक्विपमेंट अपग्रेड और सिक्योरिटी अपग्रेड, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। तो नीचे हम सेल स्टॉक भी कर सकते हैं, ऊपर सप्लाई लेवल दिया हुआ है। सप्लाई लेवल यानी कि सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, तो सप्लाई हम इसको देंगे तभी होगा। स्टेटस देख सकते हैं आप, सस्पेंडेड है इस बिज़नेस का भी, क्योंकि जब सब कुछ सामान नहीं है तो वर्कर्स काम कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं सप्लाई लानी होगी। स्टॉक मेरा भी इतना है, जो सप्लाई मैंने पहले ला के दी थी उसमें इतना जो है स्टॉक बना हुआ है। अब हम देखो रीसप्लाई करेंगे। रीसप्लाई के दो मेथड है, एक तो आप बाय सप्लाई कर सकते हैं 75,000 में, और एक आप कर सकते हैं स्टील सप्लाई, यानी कि चुरा सकते हैं सप्लाई को। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है, आपको कहीं जाना होता है, वहाँ पे कुछ फाइट करनी होती है, उसके बाद आप सप्लाई चुरा सकते हैं। और ये सेल स्टॉक, यहाँ क्लिक करके आप स्टॉक सेल कर सकते हैं अगर आपका स्टॉक सेल करना चाहते हैं तो। तो सबसे ज़्यादा जो आपको पैसा देना, जो कंपनी आपको सबसे ज़्यादा पैसे दे रही है उसको ही आप सेल करेंगे। तो रीसप्लाई में हम करने वाले हैं स्टील सप्लाई। इस पर क्लिक करेंगे, पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू स्टील सप्लाई फॉर योर बिजनेस, तो उसको हम कन्फर्म करने वाले हैं। और जैसे हम कन्फर्म करेंगे, आप ये जो फैक्ट्री आपको बाहर कर देगी और एक LGD का कॉल आएगा, उसका उठाना होगा, उसको पूरा सुने कॉल को। ठीक है, सुनना तो नहीं है, मतलब पता है कि क्या करना है, लेकिन उसको सुनना है। इसके बाद कॉल आने के बाद आपको एक लोकेशन मिल जाएगी। लोकेशन हर बार अलग अलग होगी, ठीक है, जरूरी नहीं जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं आपको लोकेशन मिले। गो टू पैनोरमा ड्राइव, आपको अब आप यहाँ जाना है। तो गाइस, मैंने अपने इस फ्रेंड, मतलब एक इस सर्वर में मेरा एक फ्रेंड ऑनलाइन था, रोशन, जो आपने देखा भी होगा जब मैं स्ट्रीम करता हूँ, तो इसको मैंने अपने इस कंपनी का बनाया एसोसिएट्स। क्यों बनाया, क्योंकि अगर मैं अकेला जाऊँगा तो मुझे एक ही सप्लाई लूटने को मिलेगी, अगर दो बंद जाएंगे तो दो सप्लाई लूटने को मिलेगी, और चार जाएंगे तो चार सप्लाई लूटने को मिलेगी, और इसके बदले में इसको भी पैसा मिलेगा। ठीक है, इसको ये काम करने के लिए मिले थे $26,000। ओके, तो आप क्या, अगर पैसा नहीं, अब न्यू प्लेयर्स हैं तो आप इस तरीके के काम कर सकते हैं। किसी वो जो प्लेयर हैं जिनके पास पैसा है, फैक्ट्री है और ये सब बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके आप एसोसिएट्स बन सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बदले में आपको पैसे मिलते रहेंगे। आप पैसा इकट्ठा करते करते जब आप पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो आप अपने फैक्ट्री के लिए वर्कर परचेस करें और वहाँ पर अपना काम स्टार्ट करें। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप सप्लाई जो है लेंगे, परचेस करेंगे या फिर चोरी करेंगे। तो भाई, हम पहुंचने वाले हैं जहां पर हमें सप्लाई जो है लूटनी है। तो सप्लाई लूटने से पहले आप ध्यान रखें, आपके पास सभी तरीके के, मतलब जितने भी गन हो सकते हैं गन लेके जाएं, क्योंकि सप्लाई लूटने का मतलब है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो उनके बॉडीगार्ड्स होंगे सप्लाई के, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। अभी हम पहुँच गए हैं, मैं अपना साउंड म्यूट करने वाला हूँ, आप बस फाइट का सीन देखिए। ओके, you
गाइस जैसा कि तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे सभी जो इसके बॉडीगार्ड थे सप्लाई के उनको मार दिया है और अब हम लेने जा रहे हैं। इससे पहले जब मैंने अकेले सप्लाई लूटी थी तो मुझे एक ही वैन मिली थी, अब हम दो बंदे आए तो हमें दो वैन मिली है। ये मुझे पहली बार पता चला इस मिशन को करते हुए, इससे पहले मुझे पता नहीं था। तो अब भी मैं जब भी सप्लाई लूटूंगा तो जितने ज़्यादा बंदे हो सकते हैं मेरे साथ, मतलब एसोसिएट्स बन सकते हैं, उनके साथ ही लूटूंगा ताकि एक बार में स्टॉक जो है ना जो सप्लाई है फुल हो जाए उसकी। तो गाइस जैसे हम इस इन वैन में बैठ जाएंगे उसके बाद हमें जाना है फैक्ट्री, और फैक्ट्री के लिए हमें येलो लाइन से मिल जाएगा। बीच में आपको कुछ एनिमीज मिलते रहेंगे जैसे कि आ रहे हैं लाल कलर के, आप मैप में देख सकते हो। इनसे आपको फाइट लेनी नहीं है, आप सीधे चलते रहना है। और आप देख सकते हैं कि 20 सेकंड में ही एक ग्लोबल सिग्नल जाता है पूरे सर्वर में कि कुछ बंदे सप्लाई लेके आ रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जो रियल प्लेयर हैं वो आपके सप्लाई लूटने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। तो मुझे इसमें डर लग रहा था कि कोई रियल प्लेयर ना आ जाए क्योंकि उनसे फाइट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं पर उतनी अच्छी गाड़ियाँ नहीं हैं, वो पूरी वॉर वाली गाड़ी लेके आते हैं। तो वैसे ये शुक्र रहा कि कोई भी लड़ने नहीं आया, एक बंदा पीछे से दिख तो रहा था देखो लेफ्ट में, अगर मैप में देखें तो वो थोड़ा लेफ्ट वाले रोड पे था तो मुझे लग रहा था शायद वो यहाँ पर आएगा और सप्लाई को लूटेगा जरूर, तो लेकिन वो आया नहीं। और हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं पीछे भी, अब देखो वो जो लाल कलर के जो मतलब एनिमीज होते हैं वो आते रहेंगे बीच बीच में, आपको उनसे फाइट लेनी नहीं, आपको जल्द से जल्द जाना है अपने फैक्ट्री में ताकि आप फटाफट से किसी और प्लेयर से इंगेजमेंट ना हो, आपकी फाइट ना हो किसी रियल प्लेयर से और आप जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ। तो रोशन मेरे से आगे निकल गया, रेस लगा रहा था रोशन हमसे। तो हम गाइस बहुत जल्दी ये फैक्ट्री पहुँच गए और हम पहुँचने वाले हैं और एनिमीज लगातार आ रहे हैं, आपको इसी तरीके से सेफली लेके आना है, ज़्यादा टाइम नहीं, हद से शायद 5 या 6 मिनट लगेंगे आपको। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए समझाने में आपको इतना टाइम लग रहा है लेकिन इतना ही आपको लगेगा। तो इसमें 25-26 बंदे थे इस सर्वर में, ओके। तो अब यहाँ पर जो ये घेरा बना हुआ है इसमें आपको दोनों गाड़ी जितनी भी गाड़ियाँ लाए हैं वो इसमें डाल देनी है। तो आप देखो लिखा हुआ है रीसप्लाइड 2 out of 2 सप्लाई डिलीवर्ड। तो ये थोड़ी सी ब्लैक स्क्रीन के बाद अब क्या करेगा, थोड़ी आवाज़ आएगी जैसे शटर खुलने की आवाज़ आती है, उसके बाद ये सारा जो माल है अंदर करेंगे और फिर बिजनेस आपका चालू हो जाएगा। तो देखते हैं आवाज़ कब आती है। वेट ओके, देखो शटर खुला है अभी और सप्लाई अंदर जा रही है। ये देखो डब्बे रख रहे हैं, तो ये दिखाते नहीं है कि इसके अंदर क्या होता है लेकिन आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर वही चीज़ होगी जो नोट बनाने के लिए काम में आती है। तो आप देख सकते हैं हमारी क्रू रैंक 41 हो गई इन्फोर्सर, और यहाँ पर आ चुका है पूरा का पूरा सामान। ओके सप्लाई आप देख सकते हैं सप्लाई थोड़ी सी ही कम रह गई, और मैं रोशन से पूछ रहा हूँ कि रोशन कितने पैसे मिले हैं तुम्हें इस मिशन को करने के लिए, क्योंकि मुझे भी पहली बार पता नहीं था कि कितने पैसे मिलते हैं, तो इसलिए मैं रोशन से पूछ रहा था क्योंकि रोशन डिस्कॉर्ड पर नहीं था, ओनली वो बैठा हुआ था सिर्फ अपने GTA 5 ऑनलाइन में। तो अब ये बताने वाला आप भी देख के हैरान जाएंगे कितने पैसे मिले हैं। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आप इनके ही मतलब मैसेज से देखना कि कितने पैसे मिले। ओके LJD का कॉल आ गया है ब्रो, उसको पूरा सुनना ही पड़ेगा। ओके कट गया है। अब यार एक तो ना ये इतने सारे कॉल करते हैं बहुत गुस्सा आती है मिशन करते टाइम, ठीक है। तो अब मैं वापस से देखता हूँ, बताओ रोशन कितने पैसे मिले तुम्हें। तो अभी ये लिखेगा कितने पैसे मिले जब तक मैं अपने लैपटॉप पर चला जाता हूँ। और आप देख सकते हैं सर अब ये जैसे स्टॉक आ गया है, सप्लाई आ गई है, तो सब लोग ये काम करने के लिए और जा रहे हैं कि काम होने वाला है, काम शुरू करने ही वाले हैं। ये मशीन शायद साफ कर रहा है या सही कर रहा है। तो रोशन देखो लिखा है राइट में 21 शायद, हाँ 21,000 रुपये मिले हैं, मैंने शायद 26 बोले थे पहले। तो 21,000 भी बहुत होते हैं ब्रो, आप 21,000 बहुत मेहनत करने के बाद मिलते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी अच्छा और मतलब आसान मिशन था करने के लिए। ओके तो अभी हम वापस से हम अपना लैपटॉप जो एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि कितनी सप्लाई है और क्या क्या हम और कर सकते हैं इसके अंदर। ये पासवर्ड अपने आप डालेगा, आप उसे लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। बाय आप जाएंगे, देखो सप्लाई इतनी है और स्टॉक इतना है, स्टेटस भी एक्टिवेट हो गया यानी कि बिजनेस अब चल रहा है, कर्मचारी खाली नहीं बैठे हैं। और ये कर्मचारी ध्यान रहे परचेस करने के बाद हर दिन आपसे $4,700 की सैलरी लेते हैं, ये 6 जो कर्मचारी मिले होते हैं हमें, ठीक है। और ये रहा सैलरी स्टॉक, आप यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पैसे देता है उसको आप स्टॉक जो है सेल कर सकते हैं, सेल करने का मिशन होता है, उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक सेल कैसे करते हैं और उसमें कितने बंदे चाहिए होते हैं स्टॉक सेल करने के लिए, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो पर भी लाइक कर दो यार, पिछली वाली वीडियो पर लाइक नहीं हुई थी लेकिन इस वीडियो में मुझे 50 लाइक पूरे चाहिए। और आप देख सकते हैं सप्लाई जब अगर हमने इतनी पूरी कर दी है तो अब सप्लाई जो है कम पैसों की परचेस करने के लिए आ रही है अगर आपको फुल करना है। ओके तो गाइस देखते हैं अभी मजे करते हैं कि काम कैसे हो रहा है। ये कुछ घंटियाँ बज रही है, ये मशीन ठीक कर रहा है। इक्विपमेंट अपग्रेड करने के लिए 8 लाख रुपये मांग रहा है, इससे ना थोड़ी और मशीनें फास्ट हो जाएंगी और मशीन आ जाएंगी। तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना पैसा है मेरे भी सारे अकाउंट में भी, क्योंकि अभी मैंने एक आर्केड मोड की आर्केड ना एक परचेस करा है, बिल्डिंग परचेस करी जहाँ पे हिस्ट के मिशन आते हैं, और कल मैंने हिस्ट के मिशन काफ़ी करे भी हैं, ठीक है। सेटअप चल रहा है उसका, तो शायद आज हम जब लाइव स्ट्रीम करेंगे तो हम उसको आज शायद हम डायमंड कैसीनो तक पहुंच जाएंगे, मतलब जो लास्ट मिशन होता है पहुंच जाएंगे शायद, इसमें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं।
और उसमें जो मेरा एसोसिएट्स होगा उसको भी एक एक मिलियन डॉलर के आसपास मिलने वाला है ऐसा मैंने सुना है, बाकी देखते हैं कितना कितना मिलेगा। ओके तो गाइस ये सब नोट गिन रहे हैं, अब मुझे देखना है कि नोट ही गिनते कैसे हैं। इसने नोट डाला मशीन के अंदर, ओके नोट डाला इसने मशीन के अंदर, ये गिन के निकलेगा कैसे, ये साले बटन दबाते हैं रुको देखते हैं एक बार। ओके भाई खांसी हो रही है इनका कोरोना वायरस, ठीक। अरे देखो ये गड्डी गिनती भी नहीं भाई, सीधा लगा देते हैं। ओके तो भाई आंटी हमारे नोट धोती रहती है, पता नहीं कि नोट धोने का क्या काम है, समझ में नहीं आता मेरे को। इसमें कुछ गेमलिंग वाली कॉइन है वो भी पड़े हुए हैं। आंटी नोट एकदम सही से धोना, एक कोई भी गड्डी अपनी जेब में मत डालना घर जाने के लिए, कभी आप जेब में डाल लो हमारा बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा, हम बहुत बहुत फाइट करके लेके आते हैं। ओके लगता है आंटी थक गई हैं और खड़ी होने की प्रयास कर रही है, तो बैठे बैठे कमर अकड़ जाती है। ओ ओ ओ भाई ये होती है एक्सरसाइज, क्या बात क्या बात गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, गुड बाय।